नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की, जहां सड़कों पर उतरे हैं हजारों लोग, हाथों में श्रीलंका का झंडा, सरकार के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर आम लोग महंगाई से मुकाबला करने में नाकाम, गोटाबाया राजपक्षे को सत्ता से हटाने की मांग कर रहे हैं। सीधे कोलंबो से हमारे सहयोगी जनेंद्र कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सबके हाथों में श्रीलंका का झंडा है और सबकी नाराजगी है मौजूदा सरकार से, और एक सामूहिक मांग इन लोगों की है, राजपक्षे इस्तीफा दें। कुछ लोग जो प्रदर्शन में शामिल हैं, इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू व्हाई यू आर हियर। आई एम हियर बिकॉज आई फील द पेन ऑफ द पीपल। एवरीबॉडी इन श्रीलंका इज एक्चुअली फीलिंग द पेन। श्रीलंका आर्थिक संकट में जूझ रहा है, ये मानना है लोगों का। लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं राजपक्षे परिवार पर, प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर, और इसी की वजह से जो गुस्सा फूटा है, प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है राजधानी कोलंबो में भी और श्रीलंका के तमाम इलाकों में। इन प्रदर्शनों की सबसे बड़ी खास बात यही है कि कोई पार्टी इसका नेतृत्व नहीं कर रही है, आम लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं, आम लोग ही भाग ले रहे हैं और ज्यादातर युवा हैं। हजारों की संख्या में श्रीलंका के नौजवान, श्रीलंका के युवा सरकार के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए और राष्ट्रपति का इस्तीफा मांगने के लिए गाले फेस पर इकट्ठा हुए हैं। और फिलहाल यहाँ बताया जा रहा है कि ये जमावड़ा जो है वो आज रात भर चलेगा। राष्ट्रपति हालांकि इस्तीफा देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, देखना यही है कि राष्ट्रपति झुकते हैं कि या नहीं, और अगर नहीं झुकते तो जो नाराज जनता है जो फिलहाल शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है वो अपने प्रदर्शन को आगे किस तरीके से बढ़ाती है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज कोलंबो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।